हेलो गाइज, वेलकम टू वेब फॉर एडिट चैनल। तो गाइज, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ, जो अपने वीडियो में 10-15 व्यूज आके रुक जाते हैं, 100-150 व्यूज आके रुक जाते हैं, तो गाइज उसका रीजन क्या हो सकता है। तो मैं आज आपको इस वीडियो में पूरा सिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। बाजू में दिया हुआ बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना है, ताकि ऐसे यूट्यूब के रिलेटेड नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन पहले आपको मिलती रहे। ओके गाइस, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, मैं आज आपको 8 पॉइंट देने वाला हूँ, तो आपको क्या करना है, उस 8 पॉइंट को आपको फॉलो करना है, अपना वीडियो वायरल होगा। ओके गाइस, तो सबसे पहला पॉइंट है ऑप्टिमाइज वीडियो टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। ओके गाइस, ध्यान दे कि आपके वीडियो में टाइटल और डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड और कैची पेरेस का इस्तेमाल करके जो ऑडियंस को अट्रैक्ट करे। ओके गाइस, अपने डिस्क्रिप्शन में आपको टाइटल को कॉपी करके लगाना है, और कीवर्ड्स लगाना है, और हैशटैग लगाना है, और अपने सोशल मीडिया का लिंक भी डालना है डिस्क्रिप्शन में। ओके गाइस, कीवर्ड्स कौन सा डालना है, अपने वीडियो के रिलेटेड आपको कीवर्ड डालना है। ओके गाइस, और दूसरे नंबर का है एंगेज विद योर ऑडियंस। अपने व्यूअर्स के कमेंट का जवाब दे और उनके सजेशन को कंसीडर करें, इसे आप ऑडियंस एंगेजमेंट बढ़ा सकते हैं। तो गाइस, जो अपना ऑडियंस अपने वीडियो के कमेंट में जो कमेंट करता है, यानी अपने सोशल मीडिया में मैसेज करता है, तो आपको क्या करना है, उसका रिप्लाई देना है और उसको समझाना है। ओके गाइस, ऐसे अपना व्यूअर का एंगेजमेंट बढ़ा सकते हो। ओके गाइस, और तीसरे नंबर का पॉइंट है प्रमोट योर वीडियोस। ओके गाइस, अपने वीडियो को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर और रिलेवेंट ऑनलाइन कम्युनिटीज़ में शेयर कर सकते हैं। ओके गाइस, इसे अपने ऑडियंस का बेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। ओके गाइस, तो आपको क्या करना है, अपने सोशल मीडिया, यानी अब पहले तो आपको व्हाट्सएप में अपना स्टेटस, अपना ये वीडियो का लिंक कॉपी करके स्टेटस लगा देना है। ओके गाइस, और अपने व्हाट्सएप में जो भी ग्रुप है उसमें आपको ये वीडियो का लिंक डाल देना है। ओके गाइस, जो भी आपको एक बात का खास ध्यान रखना है, जो ग्रुप जो अपना फ्रेंड सर्कल वाला होना चाहिए और किसी और का ग्रुप में नहीं डालना है। ओके गाइस, और दूसरा आपको क्या करना है, टेलीग्राम में आपको बहुत ही ग्रुप मिल जाते हैं, तो आपको क्या करना है, अपने वीडियोस के रिलेटेड ग्रुप को ज्वाइन करना है, और उस ग्रुप में आपको अपना वीडियो का लिंक्स को पेस्ट करना है। ओके गाइस, ऐसे ही आप फेसबुक में आपको अपने वीडियोस के रिलेटेड फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन करना है और अपने वीडियोस का लिंक उसमें शेयर करना है। ओके गाइस, और टेलीग्राम में भी आप ऐसे शेयर कर सकते हो। ओके गाइस, और अपने इंस्टाग्राम में भी अपने वीडियोस का, अपनी चैनल के बारे में आप बता सकते हो। ओके गाइस, और उसका चैनल का लिंक भी अपने इंस्टाग्राम बायो में आप लगा सकते हो। ओके गाइस, और चौथे नंबर का है कोलैबोरेट विथ अदर यूट्यूबर्स। किसी पॉपुलर यूट्यूबर के साथ कोलैबोरेशन करके जिसे आप उनके ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं और अपनी व्यूअर बेस को बढ़ा सकते हैं। तो गाइस, आपको क्या करना है, जो कोई बड़ा यूट्यूबर है, आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो बड़ा यूट्यूबर होगा, जो वो अपने जैसा वीडियो बनाता है, तो आपको क्या करना है, जो भी बड़ा यूट्यूबर अपने जैसा वीडियो बनाता है, आपको क्या करना है, उसको कोलैबोरेशन करना है। ओके गाइस, उसको कैसे कोलैबोरेशन करना है वो आपको पता है। ओके गाइस, नहीं पता है तो आपको क्या करना है, मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम यानी टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आपको क्या करना है, वहाँ जाके मैसेज करना, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। ओके गाइस, दूसरे यूट्यूबर को कैसे कोलैबोरेशन कर सकते हो। ओके गाइस, और पाँचवें नंबर का है कंसिस्टेंसी। नियमित रूप से वीडियोस अपलोड करें, ताकि ऑडियंस आपके चैनल पर रेगुलर बेसिस पर आए। ओके गाइस, तो आपको क्या करना है, रेगुलर वीडियो डालना है, और एक दिन का भी गैप नहीं रखना है, रेगुलर आपको लॉन्ग वीडियो डालना है, एक लॉन्ग वीडियो डालना है और एक शॉर्ट वीडियो डालना है। ओके गाइस,
और आपको एक टाइम सेट कर लेना है। आपको वो टाइम सेट कर लेना है कि अपने ऑडियंस किस टाइम पे एक्टिव रहते हैं। ओके गाइस, उस टाइम पर आपको लॉन्ग वीडियो को अपलोड करना है और शॉर्ट वीडियो आप दिन में 12 बजे 11 बजे और शाम को 5 बजे 7 बजे आप शॉर्ट वीडियो को अपलोड कर सकते हो। ओके गाइस, लॉन्ग वीडियो आपको क्या करना है, अपने वॉइस टू स्टूडियो में जाना है और एनालिस्टिक में जाना है और आपको ग्राफ देखने को मिलेगा तो किस टाइम पे अपने ऑडियंस ज़्यादा एक्टिव रहते हैं तो आपको क्या करना है, उस टाइम पे अपना वीडियो को अपलोड करना है। ओके गाइस, पब्लिश करना है। तो छठे नंबर का है इम्प्रूव वीडियो क्वालिटी। ध्यान दें कि अपने वीडियो की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए जिसमें ऑडियो वीडियो और एडिटिंग शामिल है। जो छठे नंबर का है वीडियो क्वालिटी का, तो अपने वीडियो का क्वालिटी अच्छा होना चाहिए और अपने वॉइस का क्वालिटी भी अच्छा होना चाहिए। आप क्या बोल रहे हो अपना ऑडियंस को समझ में आना चाहिए। ओके गाइस, तो आपको वॉइस भी क्लियर होना चाहिए और वॉइस की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए और अपना वीडियो का क्वालिटी भी अच्छा होना चाहिए, अपना थंबनेल का क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, थंबनेल भी अच्छा होना चाहिए। ओके गाइस, अपना वॉइस भी क्लियर होना चाहिए। ओके गाइस, और वीडियो में एडिटिंग भी आपको अच्छा करना है। ओके गाइस, अपने ऑडियंस को अच्छा लगे। और साथ में नंबर का है यूज कस्टम थंबनेल। कस्टम थंबनेल्स का इस्तेमाल करें जो व्यूअर को वीडियो पर क्लिक करने के लिए मोटिवेट करे। आपको ऐसा थंबनेल बनाना है अपने व्यूअर को लगे कि इस वीडियो में कुछ दम होगा तो क्या है, वो अपने वीडियो पर क्लिक करेगा और वीडियो को पूरा देखेगा। ओके गाइस, तो आपको ऐसा वीडियो बनाना है अपना व्यूअर वीडियो देख के एक मिनट तक देख के भग जाए, ऐसा नहीं करना है। आपको अपने व्यूअर को ऐसा लगे कि यार ये वीडियो बहुत अच्छा है, पूरा देखना पड़ेगा, तो वो पूरा देखेगा, तभी तो अपना वॉच टाइम पूरा होगा ना। ओके गाइस, तो ये था सातवें नंबर का। और आठवें नंबर का है एनालिज और एनालिस्टिक। अपने यूट्यूब एनालिस्टिक का इस्तेमाल करें और समझाए कि आपके ऑडियंस किस तरह के कंटेंट को पसंद करते हैं और उस हिसाब से अपने फ्यूचर कंटेंट को डिजाइन करें। ओके गाइस, तो आपको क्या करना है, अपने यूट्यूब स्टूडियो में जाना है और एनालिस्टिक में जाना है और रिसर्च में जाना है। रिसर्च में जाने के बाद आपको वहाँ आपको बहुत सारे टाइटल देखने को मिलेगा, बहुत सारे वीडियो देखने को मिलेगा। आपको क्या करना है, उससे रिलेटेड आपको उसी जैसा आपको वीडियो बनाना है। क्या है, वो वीडियो आपको जल्दी वायरल होगा और आपको सब्सक्राइबर भी मिलेगा, वॉच टाइम भी मिलेगा। ओके गाइज, गाइज यूट्यूब स्टूडियो खुद बताता है अपना वीडियो को कैसे वायरल करना है, क्या क्या टाइटल लगाना है, कौन सा कीवर्ड लगाना है। ओके गाइज, और कौन सा टाइम पे वीडियो को अपलोड करना है, खुद यूट्यूब स्टूडियो बताता है। ओके गाइज, तो ये था इन टिप्स का इस्तेमाल करके आप अपने यूट्यूब व्यूअरशिप को बढ़ा सकते हैं। ओके गाइज, जिसका 10-15 व्यूज आता है उसको ये मैंने 8 टिप्स दी, उसको फॉलो करना पड़ेगा। ये 8 टिप्स को आप फॉलो करोगे तो अपना वीडियो 100% वायरल होगा होगा होगा। आप 10 डालोगे तो उसमें एक वीडियो तो अपना वायरल होगा होगा। ओके गाइज, मैंने भी ये आइडिया करके देख लिया है, मेरा 2-3 वीडियो वायरल हुआ है, इसलिए मैं भी आपको बोलता हूँ। ओके गाइज, मेरा अभी सब्सक्राइबर ज़्यादा नहीं है गाइज, मेरा सब्सक्राइबर अभी 170 मेरा सब्सक्राइबर है, 200 के आसपास है, ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, मैं नया यूट्यूबर हूँ। लेकिन ये मैंने ये सब रिसर्च करके और बहुत वीडियो देखे हैं, इसलिए मैंने आपको वीडियो बना के आपको सिखा रहा हूँ। ओके गाइज, मेरे वीडियो में आपको एक भी झूठा नहीं मिलेगा, आपको झूठी बात मेरे वीडियो में घुमा फिरा के मैं कभी भी बात नहीं करता हूँ। ओके गाइज, मैं जो भी कॉन्टेंट बनाता हूँ वो एकदम रियल बनाता हूँ, एकदम मैं घुमा फिरा के बात नहीं करता हूँ गाइज, मैं सही वीडियो बनाता हूँ, आपको सही सजेशन दे रहा हूँ। ओके गाइज, आपको वीडियो अपना वीडियो वायरल ना होगा तो मेरे को बोलना। ओके गाइज, लेकिन अपना चैनल सही तरीके से बनाया होगा तो। ओके गाइज, पहले आपको सही तरीके से अपना चैनल बनाना है, अपना कैटेगरी चूज करना है और अपने चैनल में कीवर्ड डालना है, अपना चैनल का नाम डालना है। कभी कभी क्या है, अपना चैनल सर्च में नहीं आता है, तो सर्च में आने के लिए आपको
अपने चैनल के कीवर्ड में अपने चैनल का नाम डालना है दो बार, ओके गाइज, एक बार कैपिटल में और दूसरी बार स्मॉल कैपिटल में। और आपको एक बार दूसरे के मोबाइल में सर्च करके देख लेना है कि अपना चैनल सर्च में आता है कि नहीं, ओके गाइज, ये आपको खास ध्यान में रखना है, ओके गाइज। और अपने चैनल का कीवर्ड आपको अपने कौन सी कैटेगरी है और आप किस टाइप के वीडियो बनाते हो वो आपके पर डिपेंड करता है, ओके गाइज। आप व्लॉगिंग वीडियो बनाते हो तो आपको आपकी कैटेगरी पीपल एंड ब्लॉग्स लगता है, ओके गाइज। जो आप एडिटिंग, जो आप वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग के वीडियो बनाते हो तो आपको, तो आपको क्या है, हाउ टू स्टाइल वाली कैटेगरी आपको चूज़ करना है, ओके गाइज। बहुत सारी कैटेगरी आती है, वो आपके पर डिपेंड करता है। जो कॉमेडी वीडियो बनाते हो तो आपको एंटरटेनमेंट यानी कॉमेडी कैटेगरी आप चूज़ कर सकते हो, ओके गाइज। तो ये मैंने आपको नॉर्मली बता दिया है, ओके गाइज। तो आपको मैं जो 8 टिप्स दिया उसका यूज करके अपने वीडियो को वायरल कर सकते हो, ओके गाइज। तो ये था आज का वीडियो, आपको बहुत ही पसंद आया होगा, तो आशा रखता हूँ मेरा वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो गाइज मैं ऐसे यूट्यूब के रिलेटेड टॉपिक लेके आता हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बाजू में दिया हुआ बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ओके गाइज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।